नमस्कार दर्शकों, मैं प्रतीक्षा यादव, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और आइए एक नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी को दिया लिखित शिकायत पत्र। आपको बता दें, पूरा मामला शहर मुख्यालय के पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज का है, जहां आज छात्रों ने जमकर हंगामा करते हुए रोड जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर छात्र छात्राओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। छात्र ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज छात्र संघ भवन के सामने मेन गेट के सामने अवैध कब्जा किया जा रहा है। हम सभी छात्र छात्राओं व कॉलेज प्रशासन द्वारा मना करने के बावजूद भी उन्होंने हमारी कोई बात न सुनते हुए अवैध रूप से हो रहे निर्माण को हटाने में कोई रुचि नहीं ली एवं 3 पिलर खड़े कर दिए गए हैं, जिससे भविष्य का कॉलेज के छात्र छात्राओं को अत्यधिक समस्या होगी। इस मौके पर शिवलखन जिला मंत्री, यशराज जिला महामंत्री विक्रम सिंह, दीपक गुप्ता, अभिषेक ठाकुर, शुभम दुबे सहित अन्य छात्र मौजूद रहे। ये थी पूरन राय की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशराज गुप्ता, जिला महामंत्री स्टूडेंट यूनियन से हूँ। किस समस्या को लेकर आप यहाँ धरने पे बैठे हुए? हमारे पंडित जैन डिग्री कॉलेज की जो जमीन है, जो साइड में जमीन पड़ी हुई है, जो उसमें जो मोहल्ले वासी अवैध निर्माण करा रहे हैं, उस जमीन को पूरा पूरा कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने अभी 3 पिलर बनवा के कम्प्लीट करा दिए हैं और उनका पूरा काम जो बराबर निरंतर चल रहा है। कॉलेज प्रशासन से हमारी बात हुई तो उन प्रचार महोदय ने कहा कि हमने उनको क्या कहते हैं, हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमने इस चीज को बात रखी थी और उन्होंने भी नोटिस भेजी थी, जिसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका निर्माण अभी भी निरंतर जारी है, तो जब उन निर्माण नहीं रुक पा रहे तो हम लोग अपने कॉलेज की जमीन को लेकर उसमें निर्माण रुकवाने के विषय में आज हम लोग धरने में बैठे हैं।